अस्सलाम वालेकुम, मी एहतशाम एंड यू वॉच टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 6 एप्लीकेशंस के बारे में जिनके बगैर शायद आपका मोबाइल भी अधूरा हो सकता है। तो वो 6 एप्लीकेशंस कौन सी हैं, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको समझ लगेंगी जो शायद आपने पहले ना सुनी हो ना आपको इनका पता हो। तो सबसे पहले जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इस्लाम 360। क्या एप्लीकेशन है, क्यों आपको रिकमेंडेशन में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि इसमें आपको कंप्लीट कुरान करीम मिलता है, साथ उसमें तर्जमा। अब कुरान पाक कितने कारी, तकरीबन 16 कारियों की किरात इसमें मौजूद है। 16 कारियों की किरात इसमें मौजूद है, आप जिस मर्ज़ी आवाज़ में सुन सकते हैं। साथ में 29 लोगों ने इनका तर्जमा किया है कुरान पाक का, जो कि इसमें सेव है, जो कि आप बाई आवाज़ वॉइस भी सुन सकते हैं। देन आपको 10 अहादीस की बुक्स मिलती हैं, जिसमें बुखारी मिलती है, अल मुस्लिम मिलती है, तिर्मिज़ी मिलती है, अबू दाऊद मिलती है। आपको 10 अहादीस की बुक्स मिलती हैं। साथ में आपको ज़िक्र इलाही की तमाम तफसील मिलती है कि क्या क्या कितनी बार पढ़ना है, क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा आपको खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, वाशरूम जाने की, A to Z तमाम की तमाम दुआओं के बारे में बताया जाता है। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए एक अनमोल हीरा है, जो कि आपको ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी भी बंदे की वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो ये सबसे बेहतरीन रिकॉर्डर है। देन साथ में जो इसका मेन और ऑफिशियल काम है वो ये है कि आपने किसी भी वॉइस को रिकॉर्ड किया, उसकी नॉइस को ख़त्म करना है। मतलब इसका कि जब आप वो वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पीछे शोर था, हलचल मच रही थी, उस आवाज़ के पीछे सों सों की आवाज़ें आ रही थी, उस आवाज़ों को ये इस तरह क्लियर करेगा जैसे वो पीछे है ही नहीं थी। अब इसको मज़ीद डिटेल से जाने के लिए आपको यूट्यूब के इसके अलावा और भी बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और देन मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि इसके मतलब एक ट्यूटोरियल अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँ। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन आ रही है, उसका नाम है MP3 कन्वर्टर। अब MP3 कन्वर्टर करता क्या है कि अगर कोई भी आपके पास गाना है, कोई नात है, कोई मूवी है, कोई फिल्म है, जो भी है, उसको MP3 में कन्वर्ट करने के लिए, उसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है MP3 कन्वर्टर। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो आपको ऐसे जैसे जन्नत की हूरों में से एक हूरनी मिल गई, मतलब ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ इस तरह का सीन है। अब इस एप्लीकेशन का नाम क्या और काम क्या, इस एप्लीकेशन का नाम है शज़ाम। अब शज़ाम सुन के आपके जहन में कुछ ना कुछ तो आएगा कि शज़ाम क्या, एम बकवास सी एप्लीकेशन। बल्कि यार यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि शज़ाम एप्लीकेशन एक वो काम करती है जो कि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मतलब कि अगर आप किसी भी पार्टी में जाती हैं, ये इसके अलावा फंक्शन है, इसके अलावा कोई शादी ब्याह कोई भी तकरीबात आपकी चल रही है, तो अक्सर होता है क्या कि वहाँ पे बहुत से ऐसे गाने चल रहे होते हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं दिल को लग जाते हैं। अब मेन मकसद ये है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा सॉन्ग है, लेकिन आपको वो तो चाहिए। अब ये एप्लीकेशन करती क्या कि सिर्फ 2 से 3 सेकंड के दरमियान आपको ये मालूम करके देती है कि वो कौन सा गाना है और किस सिंगर ने गाया और कब ये रिलीज़ हुआ था। ये 3 से 4 जो काम ये एप्लीकेशन आपको करके फराहम करती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है उसका नाम है विडमेट। अब विडमेट क्या है, तकरीबन ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा कि विडमेट क्या है, लेकिन साथ में आपको ये बता दूं कि विडमेट जो मेन काम है ये यूट्यूब की वीडियोस, उसके बाद फेसबुक की वीडियोस, उसके बाद ट्विटर और इंस्टाग्राम की वीडियोस को डाउनलोड करने में तो एक्सपर्ट है, और इसके साथ साथ ये आपको और भी बहुत सी वेबसाइट, जैसे ये आपको अलहदा फेसबुक चलाने का मौका देती है, अलहदा यूट्यूब चलाने का मौका देती है, अलहदा आपको इंस्टाग्राम, तकरीबन तमाम की तमाम साइट्स इसमें अलहदा पड़ी हैं, ऑफिशियल आप उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है उसका नाम है गूगल लेंस। अब गूगल लेंस क्या है, ये भी एक गूगल ही की प्रोडक्ट है, लेकिन इसको अलहदा से डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर से। अब गूगल लेंस काम क्या करती है, फ़र्ज़ करें कि आपने कहीं ना कहीं एक कहीं आपने कोई पौधा देख लिया, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, यार इस तरह का पौधा शायद मैं भी रख सकता, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो पौधा क्या है। अगर तो आप उसकी पिक्चर क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद इसके ऊपर अपलोड करें, तो आपको A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये पौधा कौन सी कंट्री का है, आपको पाकिस्तान में मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो कितनी रेंज में मिल सकता है। देन आपको इसके तमाम के तमाम इस्तेमाल, मतलब इसको पानी कितना चाहिए, इसको मिट्टी कौन सी चाहिए, इसको आप धूप में रखें, छांव में रखें, A to Z आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन इसके अलावा अगर आप कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को देखते हैं, कोई पंखा देख लिया, किसी ऐसे गैजेट को देख लिया जो कि आपके दिल को लग गया,
और उसकी पिक्चर लेके आप गूगल लेंस पे अपलोड करें और तमाम का तमाम डाटा यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसकी एक मुकम्मल तफसीलन वीडियो मैंने अपलोड की है गूगल लेंस के बारे में, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आ रही है वो दो एप्लीकेशन हैं, ऑलमोस्ट लोगों को पता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत थी। वो दो एप्लीकेशन है, एक तो पिक्सआर्ट है और दूसरा है लाइटरूम। पिक्सआर्ट और लाइटरूम क्या काम करता है? पिक्सआर्ट के ज़रिए आप अपनी जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कोई न्यू बैकग्राउंड लगा सकते हैं, उसके अलावा आप अपने चेहरे पे कील दाग दब्बे तमाम को रिमूव कर सकते हैं। देन लाइटरूम के ज़रिए आप इनको कलर ग्रेडिएंट कर सकते हैं। होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हकीकत की बात यह है कि अगर आपको वाकई कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, आप रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।